श्रद्धाओं के ही द्वारा हम उसको यात्रा करेंगे। कलश यात्रा शुरू होगी हमारे मंदिर से और इस कलश यात्रा में 251 महिलाएं कलश उठाएंगी और साथ में हमारे करीब 500 और लोग होंगे जो इस यात्रा का साथ में समूह चलेगा। कहते हैं कलश के अंदर गंगा जल के अंदर खूबसूरत से नारियल हो और आम के पत्तों का श्रृंगार और ओढ़ी हुई चुनरी हो और वो कलश स्वयं में एक भव्य हो जाता है और इसी भव्यता के साथ शुरुआत होगी और आगमन और उनके तैयारी की शुरुआत होगी हमारे महाराज ओझा जी की, जिनके हम लोग मुख से रामायण का पाठ सुनेंगे। ये जो भव्यता है, ये जो आज हम लोग करने जा रहे हैं 1 से 9 तारीख तक बुद्धि विहार के मैदान में जो रामायण का उत्सव होने जा रहा है, ये उत्सव मुरादाबाद का ही नहीं, मुरादाबाद के आसपास के सभी, मैं कहूँगी शहरों का है। सब आए और सब महिलाओं का, जैसा आपने कहा ना, जब महिला आती है तो बच्चे आते हैं तो पति अपने आप आते हैं और सास ससुर तो कहाँ छूटेंगे, उनका तो समय ही है सुनने का। आइए हम बच्चों को सुनाए। मैं आज ये कहूँगी हर माँ से, बच्चों को जरूर लेके आए, युवाओं को जरूर लेके आए जिन्हें रामायण के बारे में पता ही नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों ने रामायण सुनी ही नहीं। इस महोत्सव में पधार रहे हैं जो 1 फरवरी से 9 फरवरी तक अपना प्रवचन करेंगे और इस महागंगा में, इस महाअमृत वर्षा के अंदर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्राप्त करें। ये सभी शहरवासी से अनुरोध है, क्योंकि ऐसा समय बहुत कम समय मिलता है जो ऐसे दिव्य संत हैं जिनके मुख के द्वारा हम डायरेक्ट में लाइव उनको देख पाते हैं और सुन पाते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आएँ और एक चीज़, और वो जो ज्ञान की अमृत है जिससे अपना समर्पण भाव आएगा और अपने ज्ञान जो जिसकी वजह से शरीर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर जो निर्मल मन है वो निर्मलता आएगी ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। गुजरात से श्री रमेश भाई ओझा जी राम कथा का अमृत पान कराने के लिए मुरादाबाद के नागरिकों को मुरादाबाद में आ रहे हैं। वो 31 तारीख को यहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी। बहुत ही भव्य कलश यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके पश्चात 1 तारीख से और 9 तारीख तक जो है राम कथा का जो आयोजन है वो उनके मुख से अमृत जो अमृतमय वाणी से जो सुनेंगे। हमारे शहर मुरादाबाद में पहले भी बहुत ही बड़े बड़े संत आते रहे हैं। डोंगरे जी महाराज ने आज से 40 साल पहले कथा की थी। इसके बाद भी और भी जितने भी संत हैं, मुरादाबाद की धरती ऐसी है कि यहाँ पर वो भी आकर के धन्य हो जाते हैं और जो यहाँ की जनता है वो भी इतनी मधुर है कि उनको सुनने के लिए आतुर रहती है। और ये मेरा निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, चाहे यहाँ पर जो अपना बुद्धि विहार का मैदान है, और इसका धर्म लाभ कमाएं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।